Good morning, students. Now we discuss example. A three-dimensional doublet of strength mu, whose axis is in the direction OZ, is distant from rigid plane Z equal to zero, which is the sole boundary of the liquid of constant density rho, infinite in extent. If P infinity be the pressure at infinity, then show that pressure on the plane is least at a distance a root 5/2 from the doublet. हमें क्या गिवन है? Three dimensional doublet जिसकी strength जो है हमें mu दे रखी है. And whose axis जो है is in the direction OZ, ठीक है? Is distant A from the rigid plane Z equal to zero. A distance पे है, वो हमारा which is the sole boundary of the liquid of constant density rho infinite in extent. P infinity pressure है infinity पे. हमें क्या निकालना बताना है? Pressure on plane is least minimum होगा इतने distance पे dipole से sorry doublet से इतने distance पे. तो अब हमने क्या consider किया इसमें? Doublet of strength mu at point A with OA is equal to A. ये distance OA A है. YY dash जो है means Z axis कह रही हूँ मैं. Means perpendicular to Z axis इसको हम बोल रहे हैं Z equal to zero with the infinite plane. Actual में Z axis जो है इसके perpendicular है. Then the image system, अगर हम इसकी image consider करें तो इसकी image के क्या आएगी? एक doublet of equal strength का, means जिसकी strength भी क्या होगी mu, and which is placed at the distance a from the o, but at left hand side, means इसकी reflection, और उस point को से हम denote कर देते हैं a dash से, ठीक है? Reflection है वो इसकी, and the line o set is taken as the initial line. This line is taken as initial line theta equal to zero, और जो इधर side line आएगी, this is taken as z equal to pi, and the plane z equal to zero जो ये plane है इसके लिए थीटा हमारा क्या होगा? पाई बाय टू. सो दैट पी आर थीटा आर थीटा साई इज कन्फाइंड टू द रीजन जीरो थीटा पाई बाय टू. हमने एक पी पॉइंट कंसिडर किया, किस रीजन में? जिस रीजन में एंगल आपका जीरो से पाई बाय टू में वेरी करे, उस रीजन में हमने, उस प्लेन में हमने एक पॉइंट पी कंसिडर किया है. अब देखो, अब हमारे पास पॉइंट क्या क्या थे? ये ओरिजन, ये ए, और ये इसकी इमेज ए डैश. तो हमने इस पॉइंट पी को ज्वाइन किया है ए से, ए डैश से, ओरिजिन से. ए से ज्वाइन किया, दिस डिस्टेंस को हमने आर वन से डिनोट किया है. ए डैश से ज्वाइन किया, तो ये आर टू है हमारा. दिस एंगल इज से अल्फा वन, एंड दिस एंगल इज से अल्फा टू है हमारा ये. नाउ वेलोसिटी पोटेंशियल एट पॉइंट पी पे, जो वेलोसिटी पोटेंशियल आएगी ड्यू टू दीज टू डबलेट्स जो आपके ए और ए डैश पर है. और जब ए डैश पर, ए पॉइंट पर जो है आपका, उसके कारण क्या हो जाएगा? म्यू कोस अल्फा वन बाय आर वन स्क्वायर, फॉर्मूला हम ऑलरेडी कर चुके हैं. और ए डैश पे जो है उसके कारण म्यू कोस अल्फा टू बाय आर टू स्क्वायर, मीन्स इन दोनों का सम जो है वो टोटल वेलोसिटी पोटेंशियल होगा. वेयर आर वन स्क्वायर एंड आर टू स्क्वायर, आर वन स्क्वायर आप देख सकते हो यहाँ से, कोसाइन फॉर्मूला इसने यहाँ यूज किया है. तो आर वन स्क्वायर की अगर आप वैल्यू फाइंड आउट करो तो वो क्या आ जाएगी? आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर. आर स्क्वायर कौन सा? ये पी और जीरो ओपी जो ये है वो आपका आर. तो आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस टू ए आर कोस थीटा, कोसाइन फॉर्मूला यूज किया. ऐसे आर टू स्क्वायर भी आप निकाल सकते हो. बट कोस अल्फा वन इज इक्वल टू ए एम बाय आर वन. यहाँ आप देख रहे हो इस ट्राइंगल में, ये ट्राइंगल आपकी ए पी एम ट्राइंगल में कोस अल्फा वन अगर आप निकालो तो वो क्या आएगा? ए एम अपॉन आर वन. और ए एम क्या है आपका? ओ एम माइनस ओ ए फ्रॉम द फिगर. और ओ एम क्या है आपका? आर कोस थीटा. ओ ए क्या है आपका? ए. जस्ट हमने वैल्यू पुट कर दी. सिमिलरली अगर हम यहाँ देखते हैं, ये अल्फा टू हमारा एंगल ये है, और अगर हम इस ट्राइंगल में बात करते हैं तो ये एंगल हमारा कितना बनेगा? 180 माइनस अल्फा टू एंगल बनेगा. तो जो हमारी ये ट्राइंगल बनी, राइट एंगल ट्राइंगल, इसमें कोस 180 माइनस अल्फा टू की वैल्यू क्या आ जाएगी? कोस की वैल्यू, ये वैल्यू आपकी आ जाएगी ए डैश एम. ये ए डैश एम डिवाइडेड बाय आर टू. नाउ ए डैश एम क्या है आपका? ए डैश ओ प्लस ओ एम. ए डैश ओ की वैल्यू हमने डाल दी ए, ओ एम की वैल्यू डाल दी हमने आर कोस थीटा डिवाइडेड बाय आर टू. नाउ कोस 180 माइनस थीटा इज कोस थीटा, फॉर्मूला यूज किया तो कोस अल्फा टू इज इक्वल टू दिस, ये वैल्यू आपके पास आ गई. कोस 180 माइनस थीटा इज माइनस कोस थीटा, तो माइनस साइन जो है वो आपका इस साइड शिफ्ट हो गया, तो ये आपका आ गया. नाउ यूजिंग दिस रिलेशन इन इक्वेशन वन, इन वैल्यूज को हमने इक्वेशन वन में यूज करना है, सो वी गेट दिस वैल्यू. हमारे पास इक्वेशन वन में ये वैल्यूज थी ना, अल्फा वन और अल्फा टू के टर्म्स में थी, तो कोस अल्फा वन और कोस अल्फा टू की जस्ट हमने वैल्यूज यहाँ से निकाली और उस इक्वेशन में पुट कर दी है. नाउ फ्रॉम रिलेशन टू वी हैव, अब इक्वेशन टू चेक करो आपकी क्या थी.
here equation 2, r1 square is equal to equation 2 r1 square और का r से और r2 square का भी relation दे रखा है. Partially differentiate किया तो 2r1 कर लिया, r1 by कर लिया, r is equal to 2r minus 2a cos theta, यहां से कर लिया r1 by कर लिया, r निकाला. Similarly हमने कर लिया r2 by कर ली, r calculate किया, कर लिया r1 by कर ली theta, ये आप निकाल सकते हो ये values. ठीक है, तो equation 3 में, from equation 3 the velocity components are given by this formula. ये just हमने values put कर दी हमने उसमें, जो जो ये values आ रही थी इनकी terms, partial derivatives की terms में हमने ये put किया. पुट करके आपने इसको सॉल्व करना है, मैथमेटिकली सॉल्व किया हुआ है तो आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी. ये आपके पास जो वैल्यू आई है, अब यहां से जो एक्चुअल में जो इसने निकाला है वो क्या निकाला है, ये वेलोसिटी कंपोनेंट्स इसने निकाल दिए, qr q थीटा और q psi. qr आपको पता है माइनस कर ली फाई बाय कर ली r होता है ना, ऐसे ही आपको q थीटा की वैल्यू भी पता है और q psi जो है वो यहां आपका क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा. आप ये निकाल सकते हो, कोई प्रॉब्लम आए तो आप पूछ लेना. When point P lies on the plane, अगर point P आपका plane पे lie करता है, means उस केस में y y dash पर, तो theta क्या हो जाएगा उसके लिए 90 हो जाएगा. So we have r1 square और r2 square आपके उस केस में equal हो जाएंगे, और किसके equal हो जाएंगे, r square plus a square के equal हो जाएंगे. तो इस point पे जहाँ theta आपका pi by 2 हो, तो velocity components की ये value आ जाएगी, means आपने उसमें theta को क्या put कर देना, pi by 2 put करना है. तो वहाँ सिर्फ आपका एक ही component आएगा, qr, q theta और q psi आपके zero बन जाएंगे. Now along the streamline through this point, Bernoulli equation आपको पता है, P by rho plus half Q square is equal to constant. Constant है हमारा P infinity by rho, where Q जो है infinity पे क्या है, हमारे zero है. Thus the pressure at any point on the plane y y dash is given by this formula, P is equal to P infinity minus this. That is, P is a function of R only and which is equal to this. Now P dash R, उसका derivative ये आएगा, अगर हम उसको zero put करते हैं, when r is equal, ये जो value है p dash r की, अगर आप इसमें r को 1 by 2 put करते हो, तो ये value आपकी क्या बन जाएगी, 0 बन जाएगा उसका derivative. अब a by 2 पे value 0 है first derivative, तो हम slightly left और right check कर लेते हैं, कि ये देखने के लिए कि change negative to positive या positive to negative कैसे हो रहा है change. तो हमने देखा slightly इससे less लें तो value negative आ रही है, और slightly greater लें तो value हमारी क्या आ रही है, positive आ रही है. तो इसका मतलब जो इसका derivative है वो अपना sign change कर रहा है negative to positive when r passes through a by 2. तो इसका मतलब क्या हो गया, p कैसा आ गया आपका, minimum आ गया, means negative to positive. Minimum किस point पे आ गया, a by 2 पे, और theta क्या चल रहा साथ में आपका, pi by 2 चल रहा है. That is, इस point पे, means जब r a by 2 है, theta आपका pi by 2 है, और psi psi है, तो distance p nor a distance is given by this formula. A by 2 means r की value जो है वो a by 2 होगी ना, r square plus a square, p nor a आपका उस triangle में आप देख सकते हो, तो value आगी root 5 by 2 a. और यहां आपका p जो है, pressure जो है वो क्या है, least है, इतने distance पे, इतने distance से from the doublet, और minimum value आप निकाल सकते हो, p minimum, किस point पे minimum आया है आपका, वो आपने ये point put कर देना है, किस point पे minimum value है, तो आपकी ये minimum value आ गई. Okay students, बाकी next जो है वो हम next lecture में consider करेंगे.